तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों मदरसा बोर्ड में भी कुछ वैकेंसीज हैं जो कि ओपन हो गई हैं, और मदरसा बोर्ड में भी बहुत सारे आपने देखा है कि वैकेंसीज का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि मदरसा बोर्ड से संबंधित जॉब के लिए आप इंतजार में थे, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि कारगर हो सकती है। तो ये कितनी वैकेंसीज हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मदरसा बोर्ड ने 9193 प्राइमरी टीचर पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अब इसमें जो शैक्षिक योग्यता है मदरसा बोर्ड के लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, BEI होना चाहिए, या फिर BEd या फिर BEI एजुकेशन अगर आपके पास है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पद मैंने आपको बता दिए हैं, 9193 पद हैं जहां पर ये शिक्षकों की भर्ती होनी है, प्राइमरी टीचर हैं जिनके लिए आपको बता दूं कि ये वैकेंसीज ओपन की गई हैं। तो मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से आपको बता दें कि आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और जो आप इसके लिए जो आवेदन करता है उनको अप्लाई करने की अंतिम तारीख 24 अगस्त तक के लिए दी गई है, यानी कि अभी आपके पास समय है 24 अगस्त तक में, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब नोटिफिकेशन आप इनका एक बार ज़रूर चेक कर लें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, जो कि राष्ट्रीय मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिल जाएगी। तिथि आपको बस ये ध्यान रखना है कि 24 तारीख से पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। उम्मीदवारों की जो अधिकतम आयु है वो 44 वर्ष के अंदर होनी चाहिए, यानी कि 44 से अगर आप ज़्यादा हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीएड आपके पास डिग्री होना इसके लिए अनिवार्य रखा गया है, ये अनिवार्य आहर्ता है, ये मुझे लगता है कि आपको शायद पता होगी, और अगर है आप बीएड तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है क्या रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। सरकारी नौकरी में इंटरव्यू, मेरिट और फिर स्किल टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जाम भी इसमें एक होना है, और इसी प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, यानी कि पहले आपका रिटर्न होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, और फिर मेरिट के आधार पर आपका जो जॉब सिलेक्शन है वो होने वाला है। अब इस सिलेक्शन में सरकारी नौकरी में ये जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया है। सैलरी अगर आप देखेंगे तो वेतनमान इसमें 35,400 से 1,12,400 आपका रहने वाला है, और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन उनका जो आवेदन है वो राष्ट्रीय मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। वहाँ पर और भी आपको जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो उसके बारे में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं।